नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं पिक्सल पैलेट व्लॉग। तो दोस्तों, अभी मैंने सिक्किम सीरीज के वीडियो अपलोड किए थे जहाँ पर हमने CPWD के हॉलीडे होम में स्टे किया था। तो मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज और कॉल आए कि कैसे बुक करते हैं और क्या सीन रहता है इसका, तो मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले CPWD के हॉलीडे होम का विजिट करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बुक होते हैं और कितने चार्जेस होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी आपने हॉलीडे होम देखा है अंदर से, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बजट में। तो अभी आपको बताते हैं कि कैसे बुक कराते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर ई संपदा, हाँ जी, ई संपदा नाम से एक एप्लीकेशन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होती है। तो आप इसको इंस्टॉल करिए। मेरी में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसमें इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आप इसको ओपन करिए और यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। देखिए, मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन विंडो है, इसको रजिस्टर्ड करिए। उसके बाद इसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ेगी। डिटेल्स का दिखाता है, एक बार वेरीफाई ये हो जाता है। ठीक है, वेरीफिकेशन कोड डाल दिया। इसके बाद आप देखिए, ये डिटेल्स में मैं अभी जाऊँगा, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कौन सी डिटेल्स आपने फिल करनी है। ये सब डिटेल्स, नेम हो गया, फादर्स नेम, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। इसमें आपकी डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ऑफिस के नंबर और आपकी जो सर्विस है, पे ग्रेड है, सब इसमें आपको डालना है। और उसके बाद आपके एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद इसको करिएगा। अब मैं बता दो, हॉलीडे होम बुक कैसे करते हैं और हॉलीडे होम की अवेलेबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि कौन सी जगह पर हॉलीडे होम खाली है या नहीं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 या 3 महीने पहले बुक कराने होते हैं, क्योंकि लिमिटेड होते हैं। अब देखिए, मैं कल की डेट का देख रहा हूँ, तो इसमें 0 अवेलेबिलिटी दिखा रही है। तो अभी हम चलते हैं 2 महीने बाद, दैट मीन मार्च के समथिंग का हम इसमें देखते हैं कि मार्च में रूम खाली है या नहीं। तो देखिए, मैंने मार्च में देखा और ये हम पोर्ट ब्लेयर के चेक कर रहे हैं। तो देखिए, 2 रूम डबल बेड AC रूम खाली है। आप इसको यहाँ से चेक कर लिया, डेट कौन सी डेट को खाली है। उसके बाद हम जाएंगे बुक नाव पे। बुक नाव पे आप देखो, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, पर्सनल विजिट, ऑफिस टूर और एक गेस्ट विजिट। तो अपना ऑफिस टूर का एक बार चेक करते हैं। ऑफिस टूर में मतलब ऑफिशियल पर्पज से आप जा रहे हो, तो देख लो इसमें 180 रुपीज़ समथिंग चार्जेस है। अब हम देखेंगे इसमें पर्सनल विजिट के, उस पर पर्सनल विजिट पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेलेक्ट किया, वही सेम पोर्ट पे हम सेलेक्ट करते हैं। तो आप देखिएगा, डबल बेड AC रूम के चार्जेस में आता है 180 और VIP सीट के आता है 450 समथिंग। दोस्तों, हम गए थे, हमें लगा था कि 300 में तो क्या ही मिलेगा, बट हम गए वहाँ पे, अब विश्वास नहीं मानेंगे, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दोनों के लिए सुविधाएं हैं, आप इसको ज़रूर बुक करिएगा। ये आपके काफ़ी जगह हॉलीडे होम है PWD के। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उस मैप में आपको पता लगेगा कि कितनी सारी जगह हॉलीडे होम बना रखे हैं। तो आप इसको बुक करिए। और इसमें दोस्तों, खाने की फैसिलिटी भी है, आप 100 या 150 रुपये समथिंग में खाना इवन बहुत अच्छा है। हमने जहाँ भी विजिट किया, हमने सब कुछ यहीं पे किया था,
तो आप बुक करिए और अपनी ट्रिप का आनंद लीजिए काफ़ी सस्ती रेट में, और एक बजट फ्रेंडली ट्रिप को अपने आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये देखिए, ये जो भी सब ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, ये सब जगह हॉलीडे होम है CPWD के। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को Pixel Pilot Vlog। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।